महाभारत काल के इस मंदिर को कल्प केदार के नाम से जाना जाता है। यह हर्षिल से लगभग 3 किलोमीटर दूर धराली गांव में स्थित है। आप मंदिर का केवल गुंबद देख सकते हैं, बाकी मंदिर का शरीर पानी में डूबा हुआ है। आप ऊपर से मंदिर का दरवाजा देख सकते हैं जो पानी से भरा हुआ है, हालांकि अंदर का शिवलिंग दिखाई नहीं देता है। तो हम हैं अभी प्राचीन कल्प केदार के मंदिर पे। मैं गुरुजी आपसे पूछना चाहूँगा कि ये मंदिर कितना पुराना है, इसका क्या महत्व है, इसके पीछे की गाथा क्या है? ये 5000 वर्ष पुराना मंदिर है, श्री प्राचीन कल्प केदार मंदिर, जो कि पांडव द्वारा निर्मित है। जब पांडु तपस्या पे, जब पांडु पे हत्या दोष लगा हुआ था, अच्छा, तब वो हिमालय शिव दर्शन के लिए आए थे। अच्छा, तब उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया था। अच्छा, तो इसको देखकर ही केदारनाथ बनाया गया है। अच्छा, ये प्राचीन ओल्ड, इसीलिए केदार कहते हैं इसको। इसके जो शिवलिंग है वो हमेशा जलमग्न रहते हैं, जो कि साल में एक बार खुलता है। और ये पानी के नीचे मंदिर का जो द्वार है वो पानी के नीचे है? पानी के नीचे मंदिर का द्वार है। हाँ। द्वार के नीचे 5 स्टेप नीचे उतरकर, हाँ, फिर जाकर स्पैटिक का शिवलिंग है इसके अंदर। ये कभी खाली नहीं होता, इसको साल में एक बार खाली करते हैं, वो भी 5 मिनट के लिए। और ये पानी गंगा जी का, गंगा जी का पानी लेवल जब गंगा जी बढ़ती हैं तो ये बढ़ता है। अच्छा, और घटती हैं तो घटता है। अच्छा, साल में गंगा जी एक बार ओवर होके परिक्रमा लेती हैं, सिर्फ एक ही बार। अच्छा, तब इधर से निकल जाती है। अच्छा, धन्यवाद, धन्यवाद जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।